नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका युद्ध घोष में। सियासत के चुनावी रंगमंच में इस बार ग्लैमर का तड़का भी खूब लग रहा है। भाजपा, कांग्रेस या फिर सपा, पार्टी कोई भी हो, लेकिन सितारों की एंट्री से पार्टियों की चमक और भी बढ़ गई है। रंगमंच से सियासत की पारी को शुरू करने का मौका आम चुनाव के ऐलान के बाद खासा देखने को मिल रहा है। कुछ कलाकार 2019 की चुनावी फिल्म में नई पटकथा लिखने को तैयार भी हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड सितारों से लेकर भोजपुरी सुपरस्टारों तक का नाम शामिल है। एक तरफ बीजेपी के टिकट पर मथुरा से एक बार फिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपनी सियासी पारी खेलने को तैयार हैं, तो वहीं रुपेले पर्दे पर जलवा बिखेरने वाली जया प्रदा भी बीजेपी की तरफ से रामपुर में सबको पिछाड़ने को तैयार बैठी हैं। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का भी रंगमंच की दुनिया से संबंध रहा है और वो भी कांग्रेस की तरफ से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। जबकि बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और अब उन्हें भी कांग्रेस ने नॉर्थ मुंबई सीट से प्रत्याशी बना दिया है। बात अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की करें तो राजनीति में मनोज तिवारी का नाम सबसे पहले आता है, जो बीजेपी सांसद और दिल्ली से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी एक बार फिर सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि रवि किशन कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी उन्हें पूर्वांचल से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा भोजपुरी गायक और कलाकार दिनेश लाल यादव या फिर यूं कहें कि निरहुआ भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक निरहुआ को पार्टी आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। वहीं इन सबके इतर इस बार फिल्म स्टार और बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया है, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने की खबर भी उड़ रही है। तो सितारे, जो फिल्मी सितारे हैं, वो अब सियासत में आ रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर हो या फिर जया प्रदा हो, सभी अब सियासी पारी खेलने को तैयार हैं। रंगमंच से सियासत की पारी को शुरू करने का मौका कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। सियासत में ये सितारे हैं जो चमक रहे हैं। रामपुर में बीजेपी की तरफ से जया प्रदा मैदान में है, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा से फिर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा रवि किशन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ भी भाजपा ही हो गए हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। मनोज तिवारी भी चुनावी मैदान में डटे पड़े हैं। साथ ही अभिनेता से राजनीति के शेर बन गए हैं राज बब्बर, वो भी राजनीति में है। और साथ ही उर्मिला मातोंडकर भी कांग्रेस में आ गई हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ विनोद भारती जी हैं भाजपा से, जितेंद्र वर्मा जी सपा से हैं, डॉक्टर अनूप पटेल जी हैं कांग्रेस से, इरफान मलिक जी प्रसपा से, अनुराग यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही में ताहिर हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि सत्ता भी 5 साल तक आप ही के पास थी और सबसे ज़्यादा जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो भी आप ही की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या वजह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है अब सब बीजेपी में ही शामिल हुई जा रही है? देखिए, प्रत्येक कलाकार आम आदमी की तरह ही है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कलाकार इस समय काम कर रहे हैं वो उनका राजनीतिक अनुभव भी है, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे जयप्रदा जी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे ये तमाम कलाकार जो ये राजनीति के धरातल पर भी अपना वही महत्व रखते हैं जो कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उनका जो महत्व है और उनका जो अनुभव है। लेकिन देखिए, चाहे हेमा मालिनी हो चाहे जया प्रदा, इन दोनों हस्तियों को मैं बता रहा हूँ, ये महिला हिस्सेदारी की तरफ बीजेपी का एक कदम है कि ये लोग
भारतीय जनता पार्टी में रहें और या हेमा मालिन मथुरा से और जयप्रदा जी रामपुर की जनता की सेवा के लिए राजनीति में रहें और वहाँ पूरा बॉलीवुड उठा के ले आएंगे अपनी पार्टी में क्या? नहीं ऐसा नहीं कि पूरी बॉलीवुड नहीं, जो लोग पूरी बॉलीवुड कहाँ है, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर रही है और उनके जयप्रदा जी का अनुभव देख लीजिए, हेमा मालिनी जी का अनुभव देख लीजिए, मनोज तिवारी जी का अनुभव देख लीजिए, चाहे जब तक शत्रुघ्न सिन्हा जी ही रहे बीजेपी में जब तक तो इस बार टिकट क्यों काट दिया उनका, ये नहीं समझ लंबा राजनीति का अनुभव है और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा जी का टिकट क्यों काट दिया फिर? शत्रुघ्न सिन्हा हर पार्टी अपने नीति के आधार पे काम करती है, शत्रुघ्न सिन्हा जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद हमेशा नीतियां होंगी ना जिनको जिनको लेकर वो सवाल उठा रहे होंगे हैं, और वो पार्टी उनको निकाली नहीं है, पार्टी चाहती थी कि वो काम करे, वो जहाँ उससे अच्छा खिलाफ काम कर रहे थे तब भी काम करते रहे जी, खिलाफ काम कर रहे थे तब भी काम करते रहे। नहीं खिलाफ का देखिए, और कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जिस दल में रहता है उस दल के में अनुशासन के बना के रह सकता है और उसके नीतियों को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है अनुराग जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है इस बार कुछ ज्यादा ही लोग जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है पूरी राजनीति की तरफ आकर्षित हो रही है, क्या वजह नजर आती है? नहीं देखिए बॉलीवुड के लोग काफ़ी समय से राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये ट्रेंड सबसे पहले साउथ से शुरू हुआ और साउथ के बाद ये नॉर्थ में भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है। लेकिन अगर पॉलिटिशियन जो बनते हैं हमारे अभिनेता और जो बॉलीवुड के लोग, एक जो सबसे खास बात है कि साउथ के जो पॉलिटिशियन रहे जो अब तक वो कहीं ना कहीं विचारधारा से आकर्षित होकर वो राजनीति में आते थे और उसका एक बड़े उदाहरण है एमजी रामचंद्रन रहे, एनटी रामा राव रहे, एक किसी विचार जयललिता जी रहीं, किसी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति ज्वाइन की और उस फिर जब राजनीति में आए तो उन्होंने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया, आज उनका नाम लिया जाता है। लेकिन नॉर्थ में ये परिपाटी बहुत कम देखने को आ रही है, यहाँ कुछ समय के लिए जैसे अमिताभ बच्चन जी आए थे हेमवती नंदन बहुगुणा के समय और जब वो अपने कैरियर के टॉप पर थे तब वो आए और उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसी एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत को हराया, हराने के बाद फिर वो वापस हो गए। तो ऐसे कई के अगर हम देखें, अगर यूपी की ही बात करें तो एक राज बब्बर एक ऐसा चेहरा दिखाई पड़ते हैं कि जो फिल्मों से आए तो राजनीति में और राजनीति में उन्होंने अपने दम पर एक अपना मुकाम बनाया, लेकिन ज़्यादातर चेहरे ऐसे रहे कि जो या तो इलेक्शन के समय दिखाई पड़ते हैं या उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र नहीं रहा। ताहिरा जी किस तरह से देखती हैं? नहीं मेरा मानना है जैसे मैंने कहा साउथ में जो आए जो नाम लिए इन्होंने, एन टी रामा राव हों या रामचंद्रन हों, इन्होंने सोशल वर्क किया, ये सोशल वर्क करके सोशली ज़मीन पे काम करके आए हैं। इससे या आप ले लीजिए सुनील दत्त को, सुनील दत्त ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस क्लास के बीच में काम किया तब आए, लेकिन अभी क्या हो रहा है जितने भी आ रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, ये आम आदमी के हित की बात नहीं कर पा रही हैं, तो ये महिलाओं की बात, अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि दो महिलाएं या चार महिलाएं आ गई फिल्म एक्ट्रेस तो वो महिलाओं का कोटा पूरा हो गया, कैसे हो गया? जो हमारी खेत मजदूर महिला है वो जाएगी तब पूरा होगा कोटा, जब हमारी दलित महिला जाएगी तब कोटा पूरा होगा, जब हमारी ओबीसी से महिला जाएगी और मुस्लिम महिला जाएगी तब कोटा पूरा, वो भी नहीं मुस्लिम इलीट महिला जाएगी तब नहीं कोटा पूरा हो जाएगा, वो जाएगी महिला जो तमाम चीजें फेस कर रही है वो जाएगी तो वो अपनी इशू को उठाएगी, मजदूर महिला जाएगी तो वो उठाएगी मजदूर के क्या क्या प्रॉब्लम है, इस लखनऊ में जहां जहां खड़ी होती है हमारी महिलाएं दो हाथ खून पसीना देती हैं, जगह जगह जो अड्डे बने हैं लेबर अड्डे वहां पे वो अपने इशू उठाएंगी ना, पानी का टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो उन वो महिलाएं जब जाएंगी तभी भारत की बात उजागर होके आगे आएगी, ऐसे नहीं हुई फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर के जाने से क्या होगा, और अभी बहुत से नाम लिए गए वो तमाम एक्टर चाहे कितने दिन तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हों लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत से उस तरह से वो नहीं है जिस तरह से जमीन पे काम किया हुआ कोई भी
आदमी जो है जो जनता का प्रतिनिधि बन के आता है, जनता के साथ काम करके आता है, जनता के साथ जूझ के आता है, जनता से जनता के जमीनी काम के साथ आता है, उसको आप किसी भी एक्टर से उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो स्थापित हो गया। सुनील दत्त काम करके आए थे, ऐसा नहीं था कि सुनील दत्त पहले आ गए थे, पहले वो राजनीति में आ गए उसके बाद वो कहने लगे नहीं अब बहुत काम कर रहे हैं, 15 साल 20 साल रह लिए तो वो बहुत बड़े जनता के नुमाइंदा हो गए, ऐसा नहीं होता। और पॉलिटिकल पार्टियों में जहां जहां ऐसा हुआ है वहां वहां वो क्षेत्र वो स्टेट कमजोर हुए हैं। अनूप जी क्या कहेंगे, उर्मिला मातोड़कर को क्या एक्सपीरियंस है राजनीति का, या फिर वो कितना जमीनी स्तर पर रही है, क्योंकि बात चल रही है कि जनता के सरोकार से अगर जुड़े हुए हैं तो वो नेता हो या अभिनेता हो सब देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपका रंगमंच पे आप जो है अच्छे हो लेकिन आप राजनीति में आ जाते हो और आप तो सीधे उनको नॉर्थ मुंबई से टिकट भी दे दिए देना जो है वाले हो। देखिए राजनीति का जो क्षेत्र है भारतीय राजनीति का वो सबके लिए ओपन है और किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। यदि जो है बॉलीवुड स्टार्स रंगमंच के कलाकार या क्लासिक सिनेमा सिनेमा भी कई टाइप के हो है यहाँ पे जो है, तो अगर वो लोग आते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली एक भी चाहे कोई भी पार्टी हो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो उनकी विचारधारा से जो है प्रतिबद्धता जताते हैं तभी लोग आते हैं। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड थिएटर डे था तो मुझे लगता है कि समय भारत में सबसे बड़ा कलाकार तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे बड़ा ड्रामेबाज और उनसे उनसे बड़ा जो है भाव भंगिमा जो है पल पल जो है अपने बॉडी में बुलाने वाले में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई कलाकार नहीं है। तो उनसे बड़ा कलाकार हो ही नहीं सकता है। आपने कहा कि पूरी इंडस्ट्री आ गई है तो इंडस्ट्री इसलिए आ रही है, नहीं आपने मेरा जो सवाल था उसको पलट दिया, नहीं मैं वो प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं कि हम लोगों को लीड कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, लीड कर रहा है। उर्मिला जी को ऐसा क्या एक्सपीरियंस था कि आप जो है उनको टिकट भी देने जा रहे हैं, वो क्या जनता के सरोकार से जुड़ी चीजों से जुड़ पाएंगी, क्योंकि वो राजनीतिक उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं उस पे देखिए एक अवसर देना चाहिए, जैसे कि हमारे देश ने देश की जनता ने 2014 में एक अवसर दिया एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बोला था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। तो ऐसे किसी आम आदमी को उठा के एक बार क्यों नहीं सीट पे बैठा देते हैं और कह देते हैं टिकट जो है वहीं के कोई एक इंसान आम इंसान को जो है चुनाव लड़वा दीजिए। मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन अगर उस पे जो है कांग्रेस नेतृत्व ने जो है अपनी मुहर लगाई है तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर जो है उम्मीदवार साबित होंगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, उसको मौका देना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी को हमने मौका दिया, देश ने मौका दिया कि देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन अडानी अंबानी को ये देश बेच दिया। तो 5 साल हो गए वो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं दिया। उसने बोलते 15 लाख दिए तो नहीं दिया। एक बार देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है जितेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं, अवसर देना चाहिए या फिर जनता के सरोकार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ही मौका देना चाहिए? देखिए परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं सरकार, और जब परफॉर्मेंस नहीं बचती है तो फिर वो सोचते हैं ऐसे स्टार लोगों को राजनीति में टिकट दे दो जिनकी जनता दीवानी है, जनता जिनकी पिक्चरें देखती है बहुत ज़्यादा, फॉलो करती है बड़े बड़े एक्टर्स। अब उन एक्टर्स का भी फिल्मी दुनिया में कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ पहले कभी अच्छे कलाकार रहे हैं, अब कोई पिक्चर विक्चर मिलती नहीं, ओवर एज हो गए हैं, वहाँ पर उनका कोई काम बचा नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि टाइम पास के लिए राजनीति कर लेते हैं और पब्लिक उनको जिता देती है, स्टार है। लेकिन अब की पब्लिक और तब की पब्लिक में जमीन आसमान का अंतर है। अब पब्लिक समझदार है, बहुत समझती है, बहुत सोच समझ के वोट करती है। वो देखती है मान ली चुनाव जीत गए, उसके बाद वो इंडस्ट्री में ही दिखाई पड़ रही है, वहाँ की मीटिंगों में हा हा हु हु कर रही है, कोई मतलब नहीं जनता से। कितनी बार मथुरा गई कोई नहीं कह सकता, बहुत कम बार मथुरा गई, जनता के बीच लगातार रही नहीं, जनता के बीच काम नहीं किया। और वैसे भी वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी है मथुरा में, उनको मात देना जा रहा है। क्या स्टार लोग आ रहे हैं? इस देश में तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस जमीन पर नहीं दिखाई देगी, आप स्टार नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टार उतार दो आके, वो भी आपका चुनाव हार जाएगा। अब रामपुर से वो लड़ रही हैं जया जी, हार जाएंगे। हमारी पार्टी में भी आई थी अमर सिंह के माध्यम से, हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा योगदान नहीं था समाजवादी पार्टी में, लेकिन अमर सिंह पार्टी में काम कर रहे थे उस समय, उनके डिवोशन को देखते हुए पार्टी ने उनकी बात मानी। हम तो चाहते हैं स्टार लोग, ठीक है संविधान है, संविधान ने सभी को अधिकार दिया है, उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए कायदे से। अपना इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप कलाकार रंगमंच के, आप अपना काम करिए। यहाँ देश के नेताओं को अपना काम करने दीजिए। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि पॉलिटिकल वर्कर का टिकट कट जाता है इन स्टार लोगों के चक्कर में,
है ना, वो सोचते हैं पब्लिक बहुत बड़े स्टार है, आएंगी है देखेगी पब्लिक, हाँ हेमा मालिनी जी आई हैं, कितनी बड़ी स्टार रही हैं और कितनी अच्छी पिक्चरें हिट होती थी इनकी अधर्मेन जी के साथ, जितेन जी के साथ, और तमाम लोग करोड़ों लोग देखने के लिए उनको लालायित रहते हैं। तो क्या वोट देने के लिए सिर्फ शक्ल होना काफी है? क्या एक जगह पर आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया है तो क्या आप राजनीति में भी आएंगे, और उसी जो रंगमंच पे आपने जो कलाकारी की है क्या उसको जमीनी स्तर पे उतार पाएंगे? इमरान जी, इरफान जी, माफ कीजिएगा, इरफान जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है, किसी भी व्यक्ति को हमारे संविधान के अनुसार राजनीति हो या कोई भी काम हो उसको मतलब आज़ादी है, वो कहीं भी कोई भी अपना वो चुन सकता है, जिस भी क्षेत्र में अपना काम करना चाहे, लेकिन होना चाहिए कि ये जो कलाकार और जो रंगमंच के लोग और सिनेमा जगत के लोग ये जो आ जा रहे हैं राजनीति में और आकर के जीत जीत कर चले जाते हैं, और यकीन मानिए उनका ज़्यादातर आप देख लीजिए, हेमा मालिनी की ही देख लीजिए, उनकी सांसद निधि भी उनके क्षेत्र में खर्च नहीं हो पाती है, और खर्च अगर होती है तो ऐसे एरू गैरू किसी कोई कोई ना कोई उनका कोई साइन करवा करके और लोग उनके करवा लेते हैं, और मतलब पूरी तरीके से जनता ठगी जाती है। इनको ये चाहिए कि अगर ये रंगमंच से उतर करके राजनीति में आ रहे हैं तो पूरी तरह से राजनीति में जिस क्षेत्र से अगर इनको प्रतिनिधित्व होते हैं, जनता इनको चुनती है, तो उस जनता के प्रति वफादार होना चाहिए और जनता जनता के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, जितेंद्र जी कह रहे थे कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपके पार्टी में जया बच्चन जी हैं, ठीक है, वो भी फिल्मी एक्ट्रेस हैं, और ऐसा मैं बिल्कुल ये सहमत नहीं हूँ कि उन्हें नहीं आना चाहिए, मैं यही बात कहना चाहता था। राज्यसभा ठीक है, ठीक है, देखिए आप ताहिरा जी ठीक ठीक है, ठीक है, एक मिनट ताहिरा जी, आपकी मीटिंगें अटेंड करती रही, आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताहिरा जी ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, सबसे पहले वो राज्यसभा में हुए हैं, उसके बाद काम किया उन्होंने, तब महासचिव राम माधव का जो बयान आया है कि 50 सीट के नुकसान की भरपाई हम उड़ीसा पश्चिम बंगाल से करेंगे, ये उसी दिशा में जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं स्टार, तो ये उसी का डर है स्टार उतारना। एक मिनट, मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना होगा, क्योंकि इस बार जैसा इन्होंने कहा, हमारे सपा के साथी ने बिल्कुल सही कहा, ये इलेक्शन भी बिल्कुल एक अलग तरह का इलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल 2019 आप देखिएगा बहुत अलग तरह का है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो स्टार उतारेंगे ना, भीड़ आएगी, मैं नहीं कहती हूँ, और आप ये समझिए कि वो भीड़ आपके वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा ताहिरा जी, एक चीज जो निकल कर सामने आती है कि जिस तरह से सियासत महंगी हो चली है आज के वक्त में, तो क्या वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है इन सितारों को? नहीं, महंगी हो चली नहीं है, पावर, क्योंकि अब यहाँ पर सेवा, जैसे कहा जाता था कि वो सेवा करने आए हैं राजनीति में, गांधी जी, जेपी का आंदोलन देखिए आप, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पढ़ा होगा, अगर जेपी जब निकले थे तो उनके पीछे कैसे लोग निकले, लेकिन ये मत कहिए कि वो जेपी का समय था, अब नहीं है। जब केजरीवाल निकले थे, जिनको मैं कहती हूँ बहुत वैसा साबित नहीं हुए, जब वो निकले थे कितने नौजवानों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी और आंदोलन में उतर गए थे, ऐसा नहीं है, लोग देख रहे हैं, लेकिन नेता जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस पर खरी नहीं उतर रही हैं। अब इस बार भी देखना पड़ेगा नेताओं को कि अगर वो कसौटियों पे खरे उतरेंगे, एक-एक सेकेंड, एक-एक मिनट का काम जो है जनता वॉच कर रही है। अब नौजवान पढ़ के आगे आ गया है, अब दलित भी पढ़ के बहुत आगे आ गया है, दलित पढ़ रहा है, लिख रहा है, दलित देख रहा है क्या हो रहा है, दलित भी अपने हिसाब किताब से वोट करेगा इस बार, मुस्लिम भी हिसाब किताब से करेगा, ऐसा नहीं है आप फिल्म स्टार उतार दीजिएगा तो सब जाके वोट देने लगेंगे, वो फिल्म स्टार को कुछ आता नहीं, काम का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने काम में बहुत महारत रखते हैं, जनता के बीच में वो गए नहीं। मैंने कहा ना, सुनील दत्त और जैसे साउथ के एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हैं जिनका विचारधारा से भी बहुत जुड़ाव रहा है और उन्होंने जमीन पे भी बहुत काम किया है, सुनील दत्त का तो पूरा बहुत बड़ा काम था महाराष्ट्र में, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका काम होना चाहिए ना अनुराग जी, आपने काम होगा तभी वोट मिलेगा, शक्ल देख के या फिर आपकी बॉलीवुड में क्या हैसियत है वो देख के वोट नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं? देखिए अभी ऐसा तो ट्रेंड नहीं चल रहा है, निश्चित रूप से आप देखिए कि ज्यादातर जो बॉलीवुड के सितारे आते हैं राजनीति में, उनका हारने का प्रतिशत बहुत कम रहा है, आप पिछले चुनाव देख लीजिए, नगमा हारी चुनाव, लेकिन और हेमा मालिनी जीती, दूसरे और कई कलाकार जीते, तो ये तो है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता जो है
वो फिल्मी सितारों से प्रभावित होती हैं, उनके करेक्टर से प्रभावित होती हैं जो पर्दे पर उनका वो चरित्र निभाते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी लोकप्रियता एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। तो उनका फ़ायदा उस पॉलिटिकल पार्टी को ही मिलता है और स्वयं उस कैंडिडेट को ही मिलता है जो चुनाव में उतरा है। तो राजनीति का में इनका फिल्म का प्रभाव तो और फिल्मी सितारों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और इस बार भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो फिल्मी सितारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। तारा जी, आपकी बात सुनूँ से पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, और जो है ब्रेक के बाद जो है आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, चर्चा भी लगातार जारी है, आप देखते रहिए युद्धघोष।
नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका युद्ध घोष में। सियासत के चुनावी रंगमंच में इस बार ग्लैमर का तड़का भी खूब लग रहा है। भाजपा, कांग्रेस या फिर सपा, पार्टी कोई भी हो, लेकिन सितारों की एंट्री से पार्टियों की चमक और भी बढ़ गई है। रंगमंच से सियासत की पारी को शुरू करने का मौका आम चुनाव के ऐलान के बाद खासा देखने को मिल रहा है। कुछ कलाकार 2019 की चुनावी फिल्म में नई पटकथा लिखने को तैयार भी हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड सितारों से लेकर भोजपुरी सुपरस्टारों तक का नाम शामिल है। एक तरफ बीजेपी के टिकट पर मथुरा से एक बार फिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपनी सियासी पारी खेलने को तैयार हैं, तो वहीं रुपेले पर्दे पर जलवा बिखेरने वाली जया प्रदा भी बीजेपी की तरफ से रामपुर में सबको पिछाड़ने को तैयार बैठी हैं। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का भी रंगमंच की दुनिया से संबंध रहा है और वो भी कांग्रेस की तरफ से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है, जबकि बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और अब उन्हें भी कांग्रेस ने नॉर्थ मुंबई सीट से प्रत्याशी बना दिया है। बात अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की करें तो राजनीति में मनोज तिवारी का नाम सबसे पहले आता है, जो बीजेपी सांसद और दिल्ली से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी एक बार फिर सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि रवि किशन कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी उन्हें पूर्वांचल से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा भोजपुरी गायक और कलाकार दिनेश लाल यादव या फिर यूं कहें कि निरहुआ भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक निरहुआ को पार्टी आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार बना सकती है, हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। वहीं इन सबके इतर इस बार फिल्म स्टार और बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया है, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने की खबर भी उड़ रही है। तो सितारे, जो फिल्मी सितारे हैं, वो अब सियासत में आ रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर हूं या फिर जयाप्रदा हूं, सभी अब सियासी पारी खेलने को तैयार हैं। रंगमंच से सियासत की पारी को शुरू करने का मौका कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। सियासत में ये सितारे हैं जो चमक रहे हैं। रामपुर में बीजेपी की तरफ से जयाप्रदा मैदान में है, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा से फिर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा रवि किशन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ भी भाजपाई हो गए हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। मनोज तिवारी भी चुनावी मैदान में डटे पड़े हैं। साथ ही अभिनेता से राजनीति के शेर बन गए हैं राज बब्बर, वो भी राजनीति में है, और साथ ही उर्मिला मातोंडकर भी कांग्रेस में आ गई हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ विनोद भारती जी हैं भाजपा से, जितेंद्र वर्मा जी सपा से हैं, डॉक्टर अनूप पटेल जी हैं कांग्रेस से, इरफान मलिक जी प्रसपा से, अनुराग यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही में ताहिर हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि सत्ता भी 5 साल तक आप ही के पास थी और सबसे ज़्यादा जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो भी आप ही की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या वजह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है अब सब बीजेपी में ही शामिल हुई जा रही है? देखिए, प्रत्येक कलाकार आम आदमी की तरह ही है, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कलाकार इस समय काम कर रहे हैं वो उनका राजनीतिक अनुभव भी है, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे जयप्रदा जी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे ये तमाम कलाकार जो ये राजनीति के धरातल पर भी अपना वही महत्व रखते हैं जो कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उनका जो महत्व है और उनका जो अनुभव है। लेकिन देखिए, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे जया प्रदा, इन दोनों हस्तियों को मैं बता रहा हूँ, ये महिला हिस्सेदारी की तरफ बीजेपी का एक कदम है कि ये लोग
भारतीय जनता पार्टी में रहें और या हेमा मालिनी मथुरा से और जयप्रता जी रामपुर की जनता की सेवा के लिए राजनीति में रहें और वहाँ पूरा बॉलीवुड उठा के ले आएंगे अपनी पार्टी में क्या? नहीं ऐसा नहीं, जो पूरी बॉलीवुड नहीं है, जो लोग पूरी बॉलीवुड कहाँ है, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर रही है और उनके जयप्रदा जी का अनुभव देख लीजिए, हेमा मालिनी जी का अनुभव देख लीजिए, मनोज तिवारी जी का अनुभव देख लीजिए, चाहे जब तक शत्रुघ्न सिन्हा जी ही रहे बीजेपी में जब तक टिकट क्यों काट दिया उनका, ये नहीं समझ लंबा राजनीति का अनुभव है और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा जी का टिकट क्यों काट दिया फिर? शत्रुघ्न सिन्हा हर पार्टी अपने नीति के आधार पे काम करती है, शत्रुघ्न सिन्हा जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद हमेशा नीतियां होंगी ना जिनको लेकर वो सवाल उठा रहे होंगे और वो पार्टी उनको निकाली नहीं है, पार्टी चाहती थी कि वो काम करें, वो जहां उससे अच्छा खिलाफ काम कर रहे थे तब भी काम करते रहे जी, खिलाफ काम कर रहे थे तब भी काम करते रहे। नहीं खिलाफ का देखिए, और कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जिस दल में रहता है उस दल के में अनुशासन के बना के रह सकता है और उसके नीतियों को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है अनुराग जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है इस बार कुछ ज्यादा ही लोग जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है पूरी राजनीति की तरफ आकर्षित हो रही है, क्या वजह नजर आती है? नहीं देखिए बॉलीवुड के लोग काफ़ी समय से राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये ट्रेंड सबसे पहले साउथ से शुरू हुआ और साउथ के बाद ये नॉर्थ में भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिशियन जो बनते हैं हमारे अभिनेता और जो बॉलीवुड के लोग, एक जो सबसे ख़ास बात है कि साउथ के जो पॉलिटिशियन रहे जो अब तक वो कहीं ना कहीं विचारधारा से आकर्षित होकर वो राजनीति में आते थे और उसका एक बड़े उदाहरण है एमजी रामचंद्रन रहे, एनटी रामा राव रहे, एक किसी विचार जयललिता जी रहीं, किसी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति ज्वाइन की और उस फिर जब राजनीति में आए तो उन्होंने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया, आज उनका नाम लिया जाता है। लेकिन नॉर्थ में ये परिपाटी बहुत कम देखने को आ रही है, यहाँ कुछ समय के लिए जैसे अमिताभ बच्चन जी आए थे हेमवती नंदन बहुगुणा के समय और जब वो अपने कैरियर के टॉप पर थे तब वो आए और उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसी एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत को हराया, हराने के बाद फिर वो वापस हो गए। तो ऐसे कई के अगर हम देखें, अगर यूपी की ही बात करें तो एक राज बब्बर एक ऐसा चेहरा दिखाई पड़ते हैं कि जो फिल्मों से आए तो राजनीति में और राजनीति में उन्होंने अपने दम पर एक अपना मुकाम बनाया, लेकिन ज़्यादातर चेहरे ऐसे रहे कि जो या तो इलेक्शन के समय दिखाई पड़ते हैं या उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र नहीं रहा। तायरा जी किस तरह से देखती हैं? मेरा मानना है जैसे हमने कहा साउथ में जो आए जो नाम लिए इन्होंने एनटी रामा राव हों या रामचंद्रन हों, इन्होंने सोशल वर्क किया, ये सोशल वर्क करके सोशली ज़मीन पे काम करके आए हैं। इसे या आप ले लीजिए सुनील दत्त को, सुनील दत्त ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा ऑपरेस क्लास के बीच में काम किया तब आए, लेकिन अभी क्या हो रहा है जितने भी आ रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, ये आम आदमी के हित की बात नहीं कर पा रही हैं, तो ये महिलाओं की बात अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि वो दो महिलाएँ या चार महिलाएँ आ गई फिल्म एक्ट्रेस तो वो महिलाओं का कोटा पूरा हो गया, कैसे हो गया? जो हमारी खेत मजदूर महिला है वो जाएगी तब पूरा होगा कोटा, जब हमारी दलित महिला जाएगी तब कोटा पूरा होगा, जब हमारी ओबीसी से महिला जाएगी और मुस्लिम महिला जाएगी तब कोटा पूरा, वो भी नहीं मुस्लिम इलीट महिला जाएगी तब नहीं कोटा पूरा हो जाएगा, वो जाएगी महिला जो तमाम चीजें फेस कर रही है वो जाएगी तो वो अपनी इशू को उठाएगी, मजदूर महिला जाएगी तो वो उठाएगी मजदूर के क्या क्या प्रॉब्लम है, इस लखनऊ में जहां जहां खड़ी होती है हमारी महिलाएं दो हाथ खून पसीना देती हैं, जगह जगह जो अड्डे बने हैं लेबर अड्डे वहां पे वो अपने इशू उठाएंगी ना, पानी का टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो उन वो महिलाएं जब जाएंगी तभी भारत की बात उजगर होके आगे आएगी, ऐसे नहीं होगी फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर के जाने से क्या होगा, और अभी बहुत से नाम लिए गए वो तमाम एक्टर चाहे कितने दिन तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हों लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत से उस तरह से वो नहीं है जिस तरह से जमीन पे काम किया हुआ कोई भी
आदमी जो है जो जनता का प्रतिनिधि बन के आता है, जनता के साथ काम करके आता है, जनता के साथ जूझ के आता है, जनता से जनता के जमीनी काम के साथ आता है, उसको आप किसी भी एक्टर से उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो स्थापित हो गया। सुनील दत्त काम करके आए थे, ऐसा नहीं था कि सुनील दत्त पहले आ गए थे, पहले वो राजनीति में आ गए उसके बाद वो कहने लगे नहीं अब बहुत काम कर रहे हैं, 15 साल 20 साल रह लिए तो वो बहुत बड़े जनता के नुमाइंदा हो गए, ऐसा नहीं होता। और पॉलिटिकल पार्टियों में जहां जहां ऐसा हुआ है वहां वहां वो क्षेत्र वो स्टेट कमजोर हुए हैं। अनूप जी क्या कहेंगे, उर्मिला मातोड़कर को क्या एक्सपीरियंस है राजनीति का, या फिर वो कितना जमीनी स्तर पर रही है, क्योंकि बात चल रही है कि जनता के सरोकार से अगर जुड़े हुए हैं तो वो नेता हो या अभिनेता हो सब देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपका रंगमंच पे आप जो है अच्छे हो लेकिन आप राजनीति में आ जाते हो और आप तो सीधे उनको नॉर्थ मुंबई से टिकट भी दे दिए देना जो है वाले हो। देखिए राजनीति का जो क्षेत्र है भारतीय राजनीति का वो सबके लिए ओपन है और किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। यदि जो है बॉलीवुड स्टार्स रंगमंच के कलाकार या क्लासिक सिनेमा भी कई टाइप के है यहाँ पे जो है, तो अगर वो लोग आते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली एक भी चाहे कोई भी पार्टी हो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो उनकी विचारधारा से जो है प्रतिबद्धता जताते हैं तभी लोग आते हैं। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड थिएटर डे था तो मुझे लगता है कि समय भारत में सबसे बड़ा कलाकार तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे बड़ा ड्रामेबाज और उनसे बड़ा जो है भाव भंगिमा जो है पल पल जो है अपने बॉडी में लाने वाले में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई कलाकार नहीं है। तो उनसे बड़ा कलाकार हो ही नहीं सकता है। आपने कहा कि पूरी इंडस्ट्री आ गई है तो इंडस्ट्री इसलिए आ रही है, नहीं आपने मेरा जो सवाल था उसको पलट दिया, नहीं मैं वो प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं कि हम लोगों को लीड कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, लीड कर। उर्मिला जी को ऐसा क्या एक्सपीरियंस था कि आप जो है उनको टिकट भी देने जा रहे हैं, वो क्या जनता के सरोकार से जुड़ी चीजों से जुड़ पाएंगी, क्योंकि वो राजनीतिक उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं उस पे देखिए एक अवसर देना चाहिए, जैसे कि हमारे देश की जनता ने 2014 में एक अवसर दिया एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बोला था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। तो ऐसे किसी आम आदमी को उठा के एक बार क्यों नहीं सीट पे बैठा देते हैं और कह देते हैं टिकट जो है वहीं के कोई एक इंसान आम इंसान को जो है चुनाव लड़वा दीजिए। मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन अगर उस पे जो है कांग्रेस नेतृत्व ने जो है अपनी मुहर लगाई है तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर जो है उम्मीदवार साबित होंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, उसको मौका देना चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी को हमने मौका दिया, देश ने मौका दिया कि देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन अडानी अंबानी को ये देश बेच दिया। तो 5 साल हो गए, वो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं दिया। उसने बोलते 15 लाख दिए तो नहीं दिया। एक बार देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है जितेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं, अवसर देना चाहिए या फिर जनता के सरोकार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ही मौका देना चाहिए? देखिए परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं सरकार, और जब परफॉर्मेंस नहीं बचती है तो फिर वो सोचते हैं ऐसे स्टार लोगों को राजनीति में टिकट दे दो जिनकी जनता दीवानी है, जनता जिनकी पिक्चरें देखती है बहुत ज़्यादा, फॉलो करती है बड़े बड़े एक्टर्स। अब उन एक्टर्स का भी फिल्मी दुनिया में कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ पहले कभी अच्छे कलाकार रहे हैं, अब कोई पिक्चर विक्चर मिलती नहीं, ओवर एज हो गए हैं, वहाँ पर उनका कोई काम बचा नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि टाइम पास के लिए राजनीति कर लेते हैं और पब्लिक उनको जिता देती है, स्टार है। लेकिन अब की पब्लिक और तब की पब्लिक में जमीन आसमान का अंतर है। अब पब्लिक समझदार है, बहुत समझती है, बहुत सोच समझ के वोट करती है। वो देखती है मान ली चुनाव जीत गए, उसके बाद वो इंडस्ट्री में ही दिखाई पड़ रही है, वहाँ की मीटिंगों में हा हा हु कर रही है, कोई मतलब नहीं जनता से। कितनी बार वो मथुरा गई, कितनी बार मथुरा गई कोई नहीं कह सकता, बहुत कम बार मथुरा गई, जनता के बीच लगातार रही नहीं, जनता के बीच काम नहीं किया। और वैसे भी वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी है मथुरा में, उनको मात देना जा रहा है। क्या स्टार लोग आ रहे हैं? इस देश में तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस जमीन पर नहीं दिखाई देगी, आप स्टार नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टार उतार दो आके, वो भी आपका चुनाव हार जाएगा। अब रामपुर से वो लड़ रही हैं, जया जी हार जाएंगी, हमारी पार्टी में भी आई थी अमर सिंह के माध्यम से, हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा योगदान नहीं था समाजवादी पार्टी में, लेकिन अमर सिंह पार्टी में काम कर रहे थे उस समय, उनके डिवोशन को देखते हुए पार्टी ने उनकी बात मानी। हम तो चाहते हैं स्टार लोग, ठीक है संविधान है, संविधान ने सभी को अधिकार दिया है, उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए कायदे से। अपना इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप कलाकार रंगमंच के, आप अपना काम करिए, यहाँ देश के नेताओं को अपना काम करने दीजिए। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि पॉलिटिकल वर्कर का टिकट कट जाता है इन स्टार लोगों के चक्कर में,
है ना, वो सोचते हैं पब्लिक बहुत बड़े स्टार है, आएंगी है देखेगी पब्लिक, हाँ हेमा मालिनी जी आई हैं, कितनी बड़ी स्टार रही हैं और कितनी अच्छी पिक्चरें हिट होती थी इनकी अधर्मेन जी के साथ, जितेंद्र जी के साथ, और तमाम लोग करोड़ों लोग देखने के लिए उनको लालायित रहते हैं। तो क्या वोट देने के लिए सिर्फ शक्ल होना काफी है? क्या एक जगह पर आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया है तो क्या आप राजनीति में भी आएंगे और उसी जो रंगमंच पे आपने जो कलाकारी की है क्या उसको जमीनी स्तर पे उतार पाएंगे? इमरान जी, इरफान जी, माफ कीजिएगा, इरफान जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है, किसी भी व्यक्ति को हमारे संविधान के अनुसार राजनीति हो या कोई भी काम हो उसको मतलब आज़ादी है, वो कहीं भी कोई भी अपना वो चुन सकता है, जिस भी क्षेत्र में अपना काम करना चाहे, लेकिन होना चाहिए कि ये जो कलाकार और जो रंगमंच के लोग और सिनेमा जगत के लोग ये जो आ जा रहे हैं राजनीति में और आकर के जीत कर चले जाते हैं, और यकीन मानिए उनका ज़्यादातर आप देख लीजिए, हेमा मालिनी की ही देख लीजिए, उनकी सांसद निधि भी उनके क्षेत्र में खर्च नहीं हो पाती है, और खर्च अगर होती है तो ऐसे एरू गैरू किसी कोई कोई ना कोई उनका कोई साइन करवा करके और लोग उनके करवा लेते हैं, और मतलब पूरी तरीके से जनता ठगी जाती है। इनको ये चाहिए कि अगर ये रंगमंच से उतर करके राजनीति में आ रहे हैं तो पूरी तरह से राजनीति में जिस क्षेत्र से अगर इनको प्रतिनिधित्व होते हैं, जनता इनको चुनती है, तो उस जनता के प्रति वफादार होना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, जितेंद्र जी कह रहे थे कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपके पार्टी में जया बच्चन जी हैं, ठीक है, वो भी फिल्मी एक्ट्रेस हैं, और ऐसा मैं बिल्कुल ये सहमत नहीं हूँ कि उन्हें नहीं आना चाहिए, मैं यही बात कहना चाहता था। राज्यसभा में ठीक है, ठीक है, देखिए ताहिरा जी ठीक है, एक मिनट, ताहिरा जी आके मीटिंगें अटेंड करती रही, आप कितने समय के लिए काम किया, आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ताहिरा जी ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, सबसे पहले वो राज्यसभा में हुए हैं, उसके बाद पार्टी काम किया उन्होंने, तब राज्यसभा सचिव राम माधव का जो बयान आया है कि 50 सीट के नुकसान की भरपाई हम उड़ीसा पश्चिम बंगाल से करेंगे, ये उसी दिशा में जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं स्टार, तो ये उसी का डर है स्टार उतारना। एक मिनट, मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना होगा, क्योंकि इस बार जैसा उन्होंने कहा, हमारे सपा के साथी ने बिल्कुल सही कहा, ये इलेक्शन भी बिल्कुल एक अलग तरह का इलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल 2019 आप देखिएगा बहुत अलग तरह का है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो स्टार उतारेंगे ना, भीड़ आएगी, मैं नहीं कहती हूँ, और आप ये समझिए कि वो भीड़ आपके वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा ताहिरा जी, एक चीज जो निकल कर सामने आती है कि जिस तरह से सियासत महंगी हो चली है आज के वक्त में, तो क्या वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है इन सितारों को? नहीं, महंगी हो चली नहीं है, पावर, क्योंकि अब यहाँ पर सेवा, जैसे कहा जाता था कि वो सेवा करने आए हैं राजनीति में, गांधी जी, जेपी का आंदोलन देखिए आप, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पढ़ा होगा, अगर जेपी जब निकले थे तो उनके पीछे कैसे लोग निकले, लेकिन ये मत कहिए कि वो जेपी का समय था, अब नहीं है। जब केजरीवाल निकले थे, जिनको मैं कहती हूँ बहुत वैसा साबित नहीं हुए, जब वो निकले थे कितने नौजवानों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी और आंदोलन में उतर गए थे, ऐसा नहीं है, लोग देख रहे हैं, लेकिन नेता जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस पर खरी नहीं उतर रही हैं। अब इस बार भी देखना पड़ेगा नेताओं को कि अगर वो कसौटियों पे खरे उतरेंगे, एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट का काम जो है जनता वॉच कर रही है। अब नौजवान पढ़ के आगे आ गया है, अब दलित भी पढ़ के बहुत आगे आ गया है, दलित पढ़ रहा है, लिख रहा है, दलित देख रहा है क्या हो रहा है, दलित भी अपने हिसाब किताब से वोट करेगा इस बार, मुस्लिम भी हिसाब किताब से करेगा, ऐसा नहीं है आप फिल्म स्टार उतार दीजिएगा तो सब जाके वोट देने लगेंगे, वो फिल्म स्टार को कुछ आता नहीं, काम का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने काम में बहुत महारत रखते हैं, जनता के बीच में वो गए नहीं। मैंने कहा ना, सुनील दत्त और जैसे साउथ के एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हैं जिनका विचारधारा से भी बहुत जुड़ा हो रहा है और उन्होंने जमीन पे भी बहुत काम किया है, सुनील दत्त का तो पूरा बहुत बड़ा काम था महाराष्ट्र में, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका काम होना चाहिए ना अनुराग जी, आपने काम होगा तभी वोट मिलेगा, शक्ल देख के या फिर आपकी बॉलीवुड में क्या हैसियत है वो देख के वोट नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं? देखिए, अभी ऐसा तो ट्रेंड नहीं चल रहा है, निश्चित रूप से आप देखिए कि ज्यादातर जो बॉलीवुड के सितारे आते हैं राजनीति में, उनका हारने का प्रतिशत बहुत कम रहा है, आप पिछले चुनाव देख लीजिए, नगमा हारी चुनाव, लेकिन और हेमा मालिनी जीती, दूसरे और कई कलाकार जीते, तो ये तो है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता जो है
वो फिल्मी सितारों से प्रभावित होती हैं, उनके करेक्टर से प्रभावित होती हैं जो पर्दे पर उनका वो चरित्र निभाते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी लोकप्रियता एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। तो उनका फ़ायदा उस पॉलिटिकल पार्टी को ही मिलता है और स्वयं उस कैंडिडेट को ही मिलता है जो चुनाव में उतरा है। तो राजनीति का में इनका फिल्म का प्रभाव तो और फिल्मी सितारों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और इस बार भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो फिल्मी सितारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। तारा जी, आपकी बात सुनो, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, अच्छा। और जो है ब्रेक के बाद जो है आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, चर्चा भी लगातार जारी है, आप देखते रहिए युद्धघोष। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सियासत के चुनावी रंगमंच में इस बार ग्लैमर का तड़का भी खूब लग रहा है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। तायरा जी आपके पास आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक से पहले? कहना था कि स्मृति ईरानी ने जिस समय वो खड़ी हुई थी राहुल गांधी के अगेंस्ट में, उस समय सास भी कभी बहू थी, बहुत मतलब पॉपुलर सीरियल था ये, समझे, घरों घरों देखा जाता था। क्या कर पाई स्मृति ईरानी, आप बताइए? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए भीड़ आएगी, लेकिन इस बार का चुनाव मैं फिर भी कह रही हूँ, बहुत से नौजवान जो ओबीसी और दलित और मुस्लिम समाज से पढ़ के निकले हैं, जो आधी से ज्यादा की आबादी 80% जो है ऑपरेस क्लास, उसके लोग जो पढ़ के आए हैं, वो बड़ा सोच समझ कर वोटिंग होगी इस बार। विनोद जी, बात नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप ग्लैमर दिखा के उनको फिर से बेवकूफ बना लें। वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हंगर इंडेक्स में 103 नंबर पे 119 देशों में पहुंच गया है भारत, आप सोचिए, खुशहाली में 140 बांग्लादेश से भी पीछे कर दिया। तो इसमें सब तमाम चीजें, और 1% लोगों के पास 73% धन पहुंच गया है, पूंजीपति सारे कंट्रोल में है, तो जनता अपनी सवाल नहीं उठाएगी, किसान अपना सवाल नहीं उठाएगा, तो किसान के भी बच्चे अब पढ़ के आगे निकल रहे हैं, किसान भी चीजों को पढ़ रहा है, जान रहा है, बोरी में 50 कहते हैं किलो खाद है, 45 निकल रही है, तो अभी सब नहीं उठाएंगे क्या आप समझते हैं? सिर्फ वो आके खड़ी हो जाएगी कोई हीरोइन या हीरो और हाथ हिलाने लगेगा, देखने जरूर जाएंगे, ये उनका राइट है, वो देखने जाएंगे अपने मनोरंजन के लिए, पिक्चर देखेंगे, उनका राइट है, लेकिन वो वोट नहीं दे देंगे इस बार। विनोद जी, वोट ऐसे नहीं मिलेंगे, वोट काम करने से मिलेंगे, और जिस तरह से हालात हो गए हैं वो लगता नहीं आपके पक्ष में जा रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, जहां तक स्मृति ईरानी जी का सवाल है, जब से वो राजनीति में आई, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार बनी रही हैं, जनता के दुख सुख से साथ हमेशा वो सरोकार रखती हैं, और लगभग 250 से ज़्यादा सभाएं की हैं जनता को लेके, वहाँ की जनता की शिक्षा, वहाँ की जनता के स्वास्थ्य, वहाँ की मतलब पानी, हर चीज़ जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है वहाँ जनता की, वहाँ के सांसद न होते हुए भी स्मृति ईरानी जी ने इसका व्यवस्था, वो देश की मंत्री है, अमेठी को एक मॉडल बना दिया है, मंत्री है, और वो देश के मंत्री है, वहाँ की जनता का इतना, वो तो सिर्फ वहीं की जनता का क्यों कर रही है, वो बहुत पॉपुलर है, अभिनेत्री के रूप में आई थी, इसलिए वहाँ की बात कर रहा हूँ, अब तो वो काम कर रही है, इसको मैं भी मानती हूँ, बिल्कुल करेंगे, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो जहाँ की जनता उनको चुनके भेजती है लोकसभा में, कि उनकी बात उठाए, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे, वो करते हैं लोग, और वो हारती है और मंत्री बनती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हेमा मालिनी जी भैया, कांग्रेस एक राहुल जी का बड़ा कद है, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ना ही बड़ी बात होती है। अरे कुमार विश्वास भी लड़े थे, इसके बाद से देखिए हेमा मालिनी जी पे, अभी आप लोगों ने कहा हेमा मालिनी जी जब तमाम लंबे समय से अब मथुरा की जनता के बीच में है, और इस बार भी जनता मथुरा की जनता इंटरवेंशन करना चाहते हैं, जनता के बीच में कोई काम नहीं कर रही स्मृति ईरानी, ठीक है अनूप जी उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं बात करना चाहता हूं, फिर उसी तरह बड़े अंतर से चुनाव जीत के हेमा मालिनी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है पूरे पैनल को याद होगा, उन्होंने कहा मैंने मथुरा में बहुत काम किया,
बहुत इतना काम किया कि मुझे याद नहीं, बिल्कुल सही। मतलब ये कौन सी बात हुई कि कुछ भाई कुछ हो, सिंचाई, पानी, बिजली, सड़क, मकान, कुछ भी तो याद हो, कुछ याद। लेकिन ऐसा कौन सा विकास हुआ? वैसे ही है जैसे मोदी जी कह रहे हैं मैंने इतनी जॉब दे दी कि किसी को मिली नहीं, इतने घर बनवा दिए कि कोई रह ही नहीं पा रहा है, शौचालय इतने बनवा दिए कि वो जो 2-3 साल में निपट गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे लोग इस समय बीजेपी में हैं कि बीजेपी के पास अब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको ला रहे हैं। दूसरी बात, अब मेरी बात सुनो, इसीलिए ना डिस्टर्ब नहीं, अरे डिस्टर्ब नहीं, अरे जिस पे कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं, जब आपको समय मिले तो आप वो बोल दीजिए। दूसरी बात, स्मृति ईरानी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि राहुल गांधी जी बड़े नेता, उनके खिलाफ लड़ना बड़ी बात है, तो ये रिहर्सल कर रहे हैं, जबकि वो सही कह रहे हैं हमारे प्रसपा के प्रवक्ता कि भाई वो तो मंत्री जो है क्या सिर्फ अमेठी की है, वो तो केंद्रीय मंत्री है पूरा। भाई मेरे बांदा में बबेरू तहसील में भी वो काम करना चाहिए उनको, जो मंत्रालय है वो क्यों नहीं वहां पे करती है। तो इस तरीके से एक सिंगल जो है एजेंडा को लेके चल रही हैं। और दूसरी बात मैं कहूं कि अगर सच में नॉर्थ इंडियन में, अगर फिल्मी सितारों में अगर कोई सबसे बेहतर पॉलिटिशियन साबित हुआ है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राज बब्बर जी साबित हुए हैं। चाहे वो बीपी सिंह के साथ हो, जनमंच के समय में हो, चाहे किसान मंच हो, चाहे इसके बाद जो उनका राजनीतिक सफर रहा हो, आज वो प्रदेश अध्यक्ष है, आज वो जनता के साथ खड़े हैं। और लास्ट में एक बात और कहूंगा कि जो फिल्मी दुनिया है वो फिल्मी दुनिया सिर्फ ग्लैमर में नहीं जीती है। फिल्मी दुनिया में जैसा कि ताहिरा जी ने कहा कि एक ऐसा उसमें जो है फिल्मी दुनिया का एक इतिहास है जिन्होंने राजनीति की नींव रखी है। दक्षिण भारत में उन्होंने राजनीति चलाई। और आज का ही मैं बताऊं कि 100 से ज्यादा डायरेक्टर ने एक नोट इश्यू किया है कि इस समय 5 साल में इस व्यक्ति ने जो झूठा है, जुमलेबाज है, उसको वोट नहीं दिया जाए, तो वो भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा है। अच्छा अनुराग जी, आपके पास आएंगे, जिस तरह से आप अगर चुनाव लड़ना चाहें तो आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, हम भी शामिल हो जाएं, कोई भी शामिल हो जाए, एक क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया गया है राजनीति में आने के लिए कि आप जो है ये कैंडिडेट आएगा या फिर इतनी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर इतनी चीज़ें होनी चाहिए तभी आप राजनीति में आएंगे, आपकी संपत्ति के बारे में भी पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन देखिए जब संविधान जिस समय देश में बना उस समय हमारा लिटरेसी रेट ही बहुत डाउन था, लोग शिक्षित थे नहीं। अगर उस समय इस तरीके की कोई नियम बना दिए जाते तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चुनाव लड़ने से वंचित रह जाता। तो जो हमारे संविधान निर्माता रहे उन्होंने देश की स्थितियों को देखते हुए वो इस तरीके के नियम रखे कि कोई बहुत हर आदमी चुनाव में भाग ले सके और चुनाव लड़ सके और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके, इस तरीके के नियम बनाए। लेकिन जैसे समय गुजर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं और लिटरेसी रेट काफ़ी कुछ बढ़ गया, काफ़ी लोग एजुकेट हो गए, तो अब इस तरीके के नियम बनाए जा सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जा सकती है। संपत्ति की बात होने ही लगी कि आपको पूरा संपत्ति का लेखा जोखा देखना पड़ेगा, आपको आपके खिलाफ जो अपराध हैं उनका ब्यौरा, आप तो इस बार तो बहुत सख्त नियम कर दिए हैं कि अपने खर्च से आपको पेपर में प्रकाशित कराना पड़ेगा, कम से कम 3 बार उसका प्रकाशन होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो नियम बनाए जा रहे हैं और इन्हीं के तहत किसी भी वर्ग का या किसी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो, जैसे अभी गौतम गंभीर जी शामिल हुए, वो भी एक देखा जाए बड़ी पर्सनालिटी और उनका भी फायदा पार्टी लेगी। इसी तरीके से हमारे बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं वो अगर अभिनेता या अभिनेत्री शामिल होते हैं तो उनको भी इसी नियम के तहत, और उसी के तहत एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, एक किसान भी चुनाव लड़ सकता है, एक मजदूर भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है आज के वक्त में, क्योंकि सियासत तो इतनी महंगी हो रखी है, ये कि चुनाव आप जो है चुनाव ऐसे लड़ ही नहीं सकते, आपको जो है करोड़ों रुपए चाहिए अगर आपको चुनाव जीतना है। देखिए बिल्कुल ये आपका बहुत ही मतलब जायज प्रश्न है कि अब चुनाव अगर एक आम आदमी चाहे कि वो चुनाव लड़े और लड़कर चुनाव जीत ले तो ये असंभव है आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में एक लोकसभा प्रत्याशी का जो खर्चा होता है वो मिनिमम माना जाता है कि 5 करोड़ रुपए कम से कम खर्च उसे करने ही करने हैं, जबकि कहीं और नहीं देने हो तब, तो उसका इतना एक आम आदमी, हम कह रहे हैं एक आम भारतीय ये लड़ने की सोच ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत महंगा हो गया और ये चुनाव आयोग या जो और जो भी संस्थाएं
देश हित में उनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो ये निश्चित बात है ये बड़ी शख्सियतें हैं जो चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड की हों और चाहे वो खेल क्षेत्र की हों या किसी भी क्षेत्र की उद्योगपति हों या बाहुबली हों, यही चुनाव लड़ पाएंगे, एक आम आदमी तो चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएगा। ताहिरा जी, मुझे लगता है जनता को ही एक आंदोलन करके ये बात करना होगा कि मैं मानती हूँ कि धन का जो असेट है इसका तो एक वो होना चाहिए हमारे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा आज भी 70 साल की आज़ादी के बाद अभी सब शिक्षित नहीं हुए हैं हमारे यहाँ, तो शिक्षा पे नहीं होना चाहिए। अगर हमारी महिला है, पॉलिटिकल है, वो लड़ रही, पंचायती राज में आप देखिए हमारी महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ महिलाएं जो हैं वो भी जीत के आई, अपना काम कर रही हैं। पहले तो पति प्रधान कहे जाते थे, अब ऐसा नहीं है, अब वो खुद असर्ट कर रही हैं। ये ना पढ़ा पाना तो ये सरकारों का निकम्मापन रहा है, तो इसके लिए उनको दो नहीं देना चाहिए दोष, उनको मुजरिम ठहरा, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आज के जमाने में इरोम शर्मिला जब लड़ी कितना वोट पाया, मेधा पाटेकर कितना लड़ रही है, हम लोग भी कितना उनके साथ, कई कई एक बार नहीं, मैंने उनके साथ दसियों बार मंच शेयर किया है, सीतापुर की बहुत बड़ी रैली में वो आई थी किसान मजदूर, तब मैं थी उनके साथ, कितना काम कर रही है वो महिला, लेकिन क्या वो जीत गई थी जब इलेक्शन में खड़ी हुई थी, नहीं जीती थी। इसलिए इलेक्शन में सुधार की बहुत सख्त जरूरत है, अगर बेहतर नेता चाहिए, जनता के हित में काम करने वाले नेता चाहिए, तो इसके लिए जनता को ही एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, हमें फिर वैसे ही नेता चाहिए जैसे लोहिया थे, जैसे अम्बेडकर थे, जैसे जेपी थे, तभी देश जो है वो आगे बढ़े। अच्छा विनोद जी, आपकी भी सरकार रही और आपकी भी सरकार में चुनाव और महंगाई होता जा रहा है, जितना 2014 और 19 का खर्चा है उतना जो 70 सालों में कोई खर्चा नहीं, जो कुल खर्चा होगा वो बराबर ही बैठता है, क्या कहेंगे? देखिए ये इस पक्ष में तो सारे लोग रहे हैं, सारी पार्टियां भी हमेशा ये कहती रही हैं कि चुनाव के खर्चों पे नियंत्रित करना चाहिए, चुनाव आयोग भी गाइडलाइन जारी करता है कि चुनाव का खर्च इससे अधिक नहीं होना चाहिए। हम लोग भी सहमत हैं कि चुनाव के खर्चे कम रहेंगे तो आम जनता को भी अवसर मिलता रहेगा कि चुनाव में आए और अपनी भागीदारी निभाए, और जो व्यक्ति जितने ही नीचे से उठ के आता है वो जनता की समस्याओं को उतना ही बेहतर तरीके से समझता भी है, ये बस बहुत ठीक बात है। लेकिन जिस ये भी समझना होगा कि आज जिस तरह से ये राजनीति का आबा काबा बना हुआ है उसमें धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा मैं एक बात आपसे और जो है शेयर करना चाहूंगा विनोद जी, बात करना चाहता हूं। आपने जो सवाल उठाया कि बहुत महंगा हो गया है, कई बार जो है जो चुनाव आयोग है उस पे जो है जो सुधार कमेटी बनी थी चुनाव को लेके, और कई बार ये जो है प्रस्तावना दी गई, कई बार सिफारिशें दी गई कि काश यदि चुनाव आयोग कैंडिडेट्स के सारे खर्च वहन कर ले तो फिर ये इस तरीके से यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं आएगी। ये कई बार जो है सिफारिशें उसको दी गई हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ही सारी चीजें जैसे एक अदना सा एक जो है छोटे तबके का हो या बिल्कुल कमजोर हो पैसों से उसको भी उतने ही अधिकार मिलेंगे जितना ज्यादा पैसे वाला है। तो ये एक सिफारिश है जो अब वो कब इम्प्लीमेंट होता वो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीति महंगी हो गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि आपने 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें एडवर्टीजमेंट में जितना खर्चा हुआ, उसके बाद जो आपने खर्चा बताया वो तो मतलब एक चुनाव आयोग को जो आपने बताया वो तो अलग की चीज है, आपने एडवर्टीजमेंट पे 700 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया, तो ये सब पैसा जो है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है और क्यों खर्च किया जा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही खर्च करती है जितना चुनाव आयोग की सीमा में आ जाए, और ऐसा नहीं है कि ये खर्चे केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, सारी पार्टियां करती हैं, चाहे ये कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे बसपा हो, बिना प्रचार प्रसार के कौन ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है आज? तो ये बीजेपी पे सीधे सीधे आरोप लगाना नहीं, मैं इस चीज से अब जोड़ दूं, अब उन चीजों से मैं जोड़ दूं, क्योंकि जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और आप इसीलिए उनको पार्टी में लेके आते हैं। ये रंगमंच के लोग केवल बीजेपी में नहीं है, और जो लोग हैं वो अपने
नहीं, मैं सिर्फ आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कांग्रेस से भी यही सवाल पूछ रहा हूँ। मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, चाहे हेमा मालिनी को देख लीजिए, चाहे स्मृति ईरानी जी को ही लीजिए, ये जनता के बीच में बने रहे हैं लोग और काम करके खुद को साबित किया है कि मैं नहीं, ये चमकते हुए चेहरे नहीं 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 मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि चमकते हुए चेहरे आपकी पार्टी में दिखते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं दिखता कि बहुत गरीब हो। उर्मिला मातोंडकर बीजेपी में आपकी आप अपनी पार्टी की बात करेंगे ना, कि हम राहुल गांधी से आपकी आपकी पार्टी के बारे में पूछेंगे जाके। मैं कह रहा हूँ ना कि जो लोग भी बीजेपी में हैं वो अपने काम के दम पे हैं, अपने बलबूते पे हैं और जनता का जनता के साथ उनका सरोकार है, इसलिए बीजेपी के साथ है और जनता के बीच में है और जनता उनको चुन के फिर लोकसभा के इस 19 के चुनाव में लोकसभा में भेजेगी। ठीक है इरफान जी, आपके पास आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैंने पहले भी कहा कि एक ग्लैमर के लोग जो जनता के बीच में, इनको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और वास्तव में होना चाहिए। जनता तो ग्लैमर के बीच में, और प्लस जो आपने कहा कि अभी चुनाव खर्च, तो चुनाव के खर्च को जो नंबर दो के तरीके से जो खर्च किया जाता है और जो नंबर दो के तरीके से जो पैसा उड़ाया जाता है जिसका लेखा जोखा नहीं होता है, उस पर अगर पूरी तरीके से बैन लग जाए और वो चीज ना हो तो अभी ये सारे ग्लैमर का राज अपने आप जनता बता देगी कि क्या है। जीतन जी जी बताइए, चुनाव एक आदमी हर गांव में तैनात कर दे तो वो भी शराब बटने से रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो भी पीने लगेगा, ठीक है, या रुपया ले लेगा। देखिए इतना करप्शन है, अब 33,000 रुपये आई टी सेल में बीजेपी के लोग नौकरी रख रहे हैं, 100-100 रथ यात्रा निकाल दे रहे हैं, चुनाव कहाँ तक रोकेगा? ये खर्च कहाँ जोड़ा जा रहा है? प्रत्याशी का खर्च तो भाई प्रत्याशी के में जोड़ दोगे आप, लेकिन जो ये रथ निकल रहे हैं 100-100 रथ, सपा का तो एक ही रथ निकला था, आप 100-100 रथ निकालोगे, एक आप भी निकाल लेते तो 100 रथ का खर्चा क्या भाजपा खाते में जुड़ जाएगा? लेकिन कुल मिला के सुन लीजिए बुरी बात, हम बीच में नहीं बोलते आप लोगों को, अब स्टार की बात आ गई, अब देश का नौजवान गरीब बेरोजगार, देश की जनता देख रही है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ी है देश में, क्या नौजवान नहीं देख रहा है, क्या वोटर नहीं देख रहा है कि 2.2 जो बेरोजगारी दर थी 7.2 हो गई, एनएसएसओ ने रिपोर्ट जारी किया है, क्या ये बेरोजगार गरीब ये नहीं देख रहे हैं कृषि विकास दर जो 5.1 थी वो 2.7 हो गई है, क्या लोग नहीं जान रहे हैं हंगर इंडेक्स में भारत 55वें नंबर पे था अब 103 नंबर पे आ गया है, क्या लोग नहीं जान रहे हैं जो 300 बच्चे मरा करते थे कुपोषण से वो 831 हो गए हैं, जो 15 करोड़ लोग भूखे सोते थे उनकी संख्या 25 करोड़ हो गई है, 50,000 किसान आत्महत्या किया है, ऐसे स्टार स्टार को टिकट देने से हो जाएगा स्टार स्टार? सब जनता देख रही, दिन पर दिन देश की स्थिति खराब हुई है मोदी सरकार, तो अब वोटर समझदार है, वो समय चला गया जब हाहाहू खूब प्रचार किया और जय मोदी और घर घर मोदी, ये सब खत्म हो जाएगा इस बार चुनाव में, जनता बहुत जागरूक हो गई है। विनोद जी, जनता जागरूक हो गई है और इलाके के जो सांसद होंगे उनकी शक्ल देख के वोट देगी मोदी जी का, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का चेहरा देख के वोट नहीं देने वाली? देखिए अभी हम जितने भी नाम गिनाए हैं, हम कभी अभी जब से डिबेट चल रहा है हम मोदी जी का कहीं जिक्र नहीं किए, हम स्मृति ईरानी की बात किए हैं, हम हेमा मालिनी जी की बात किए हैं, हम मनोज तिवारी जी की बात किए हैं, तो ऐसे लोगों की बात की है जो जनता के बीच में हैं, और मोदी जी हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनके हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके नाम पे जनता वोट करती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ जनता के बीच में जो है अपनी लोकसभाओं में जो जनता से जुड़ा हुआ है उसको उसके नाम पे वोट मिलेगा और मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलेगा, इस बात से 5 करोड़। लेकिन विनोद जी अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब आप ऐसी बातें करते हैं, फिर जब हम पूछते हैं कि रोजगार के बारे में, तो आप कहते हैं कि क्या मोदी जी रोजगार थोड़ी ना सबको जो है घर घर जाके मुहैया कराएंगे, सफाई थोड़ी ना घर घर जाके करेंगे? देखिए कौशल विकास योजना के माध्यम से लगभग 7 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया, नया रोजगार मिला नहीं, अभी नया रोजगार मिला नहीं, जो था उसमें से 5 करोड़। जब तक आप बोले हैं मैं बोला नहीं हूँ, हमें वही कह रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं ना, इसलिए बोलना पड़ेगा, बोल रहे हैं वो सत्य है, एनएसएसओ झूठ बोल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र झूठ बोल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CIMI झूठ बोल रही है, वोट करती है जुमलों के बल पे है,
काम के बल पे नहीं है भाई। आप बताइए 4,75,00,000 NSSO ने डाटा जारी किया है, जो रोजगार गया है वो वर्तमान रोजगार में से गया जो था हमारे पास है। अभी तक चाहे राज्य में सपा भी 10 साल तक थी, कांग्रेस रही है लंबे समय, राज्य छोड़ दीजिए ना, राज्य छोड़ दीजिए, देश देश में भी, देश में भी यही हालात है भाई जी। स्वास्थ्य बीमा किसने दिया? प्रदेश के हालात नहीं, प्रदेश में तो 22 लाख हैं, देश में 6 करोड़ लोग बैठे हैं। कांग्रेस ने किया और आज देखिए मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, ऐसी तमाम योजनाएं लाए जिसकी वजह से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया है, आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है। अच्छा तो ये बता दीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा ठीक है, ठीक है, सब मानते हैं, सब मानते हैं, सब मानते हैं, आपकी सारी बातें मानते हैं, आपकी सारी बातें मानते हैं विनोद जी, और ये बता दीजिए ये हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा नीचे, हम नीचे क्यों पहुंचते जा रहे हैं? 111 पे 13 में थे और 140 पे कैसे आ गए? कहां से हम मान लें कि यहां की जनता खुश है? केवल मोदी जी है, जनता नहीं है, ठीक है। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी जवाब दीजिए, मोदी जी के खिलाफ हो गए वो भी कुछ ऐसा कह दीजिए कि आंकड़े भी झूठे हैं और NSSO आपने तो आंकड़े निकालने नहीं दिए और क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मानी के आंकड़े दिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास किया है। आज हम विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आज देश की GDP 7.3 से अधिक है, आप विश्व, आप स्पेस में चौथी बड़ी मात्रा ही ट्राई कर रही है, बड़े हैं आप, ये नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा ठीक है विनोद जी, मिला है विनोद जी, विनोद जी, अच्छा विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी को पसंद कर रही है, ठीक है विनोद जी, हंगर विनोद जी तो मोदी जी का आंकड़ा तो मारेंगे। एक बात बता दीजिए, ताहिरा जी ने जो बातें कही थी उसको मैं फिर से दोहराए दे रहा हूँ कि जो है हंगर इंडेक्स में 103 पर पहुंच गए हैं और जो है 140 पे पहुंच गए हैं, हैप्पी जो इंडेक्स उनकी जो बनाई है उसको लेकर और रोजगार को लेकर भी जो NSSO ने आंकड़े जारी किए हैं वो भी काफी खतरनाक हैं। तो आप उन चीजों पे बात नहीं करते, आप बातों को डाइवर्ट करने लगे। मैं बिल्कुल बात उन्हीं पे कर रहा हूँ, जो भी योजनाएं, जो भी योजनाएं आई है वो आम जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ही है। जब 4 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई गई वो आम जनता थी, वो या वह जनता है जो इन मूलभूत सुविधाओं से अछूती रही है। लगभग 12,000 किसानों का ऋण मोचन किया गया, 12 करोड़ किसानों का ऋण मोचन किया गया, इस बात को क्यों नहीं कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता लोगों के बीच में कहते हैं? एक रुपया 10 पैसा माफ करके मजाक बनाए हो आप लोग किसानों का और 36,000 करोड़ रुपया सरकारी विभागों को घाटे में डाल दिया हो। अच्छा ठीक है, मैं मुख्यधारा में, ठीक है ठीक है, मैं डिबेट को मुख्यधारा में ला रहा हूँ जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू की थी। हमारे कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, अनूप जी, उर्मिला मातोंडकर का आना राजनीति में और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और वो जनता के बीच जाके क्या काम करेंगी, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे वो क्या जाके वो कहेंगी कि आम जनता के बीच जाएंगे और वोट कैसे मांगेंगी जाके, क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है। देखिए उर्मिला मातोंडकर ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो उनसे ये सवाल पूछा आपकी ही बिरादरी, पत्रकार बिरादरी ने, कि आप यहाँ पे क्यों आए, सवाल था। उन्होंने बोला मैं कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित हूँ तो मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगी। उर्मिला के लिए मुझे यही कहना है कि उन्हें वो चूंकि अब कंटेस्ट कर रही हैं तो जो वो जनता के सामने अपना एजेंडा रखेगी मुझे लगता है कि उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। जब वो काम ना करें, मतलब हेमा मालिनी जैसे कि मैंने इतना सारा काम किया मुझे खुद पता नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो जनता बहुत समझदार है, जैसे ताहिरा जी कह रही थी कि जनता अब ये नहीं देख रही है कि वाह भाई ये तो इतना सुपरस्टार आ गया है कि अब ये उतरते ही इसको वोट दे देंगे। नहीं, जैसे बीजेपी ने गिनवाया कि उन्होंने जितने भी कैंडिडेट उतारे हैं वो सब जो है काम किया है उन्होंने, लेकिन तो हारे लेकिन, भी तो है, मनोज तिवारी आज सांसद बने हैं लेकिन जब पहली बार आए थे याद है हार गए थे, रवि किशन हारे हैं, हमारे भी कैंडिडेट रहे हैं कुछ वो भी हारे हैं, ऐसा नहीं है। जनता के जो मूलभूत सवाल है एक्चुअली वहां पे फिर से लौट के आना पड़ेगा, रोजगार सबसे बड़ा मसला है,
किसानों की जो है ऋण माफी सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला महिलाओं की सुरक्षा है, सबसे बड़ा मसला है चिकित्सा स्वास्थ्य, जल का प्रबंध, ये मसले हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही रंगमंच की दुनिया से हैं या फिर ग्लैमर की दुनिया से हैं, जहां पे पैसा ही पैसा 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 सब कुछ है, वहां पे वो लोग जनता की सरोकार की बात कैसे कर पाएंगे, मुझे ये नहीं समझ। मुझे लगता है देखिए 543 लोकसभा सीटें, 543 में कांग्रेस ने, हो सकता है, मैं मानता हूं कि 5 से 10 उन्होंने कैंडिडेट ऐसे ग्लैमर की दुनिया से किए होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद अगर सबसे बड़ा ग्लैमर वाला बेताज बादशाह इस समय है, सबसे बड़ा स्टार है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 लाख का सूट मोनोग्राम का पहनते हैं दिन भर में क्या क्या अदा देते हैं, सबसे मुझे बड़ी बात है दोबारा उस सूट को नहीं पहनते हैं। जो कपड़ा मोदी जी एक बार पहन लेते हैं, जब हमारे 5 जोड़ी वो कपड़े जाते कहां है, हमारे जब देश का प्रधानमंत्री दिन भर में 100 पोज मारते हैं। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, चीजें इधर उधर हो जाती है और जो मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि आम जनता के सरोकार से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए, चाहे नेता करे या फिर अभिनेता राजनीति में आके करे। विनोद जी, जितेंद्र जी, अनूप जी, इरफान जी, अनुराग जी, ताहिरा जी, आप सभी लोगों का डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रंगमंच से सियासत की पारी को शुरू करने का मौका आम चुनाव के ऐलान के बाद खासा देखने को मिल रहा है और कुछ कलाकार 2019 की चुनावी फिल्म में नई पटकथा लिखने को तैयार हैं, लेकिन होगा क्या, होगा वही जो जनता चाहेगी और जो जनता करेगी। फिलहाल युद्ध घोष में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।